भैया पंचू की राम राम, पुत्तन शुरू कई दिन सपना। कहा सुनाओ दादा, चैन नहीं पर रहता है जब तक तुम्हारा सपना ना सुन दे। कहे हाँ चल, कहे हम गवा दिन टहरा टहरा खाली रहा। तुम कहा चली देखी का हो रहा है अपने कौशाम्बी मीडिया क्लब में। तो गवा बाहर से सन्नाटा ला। हम कहा बात है भाई, सबका बुखार उतर का कहा इतनी जल्दी। फिर देखा अंदर खोल के घुसा, अरे बैठ रहे सब जितते रहे लड़का और लड़की और देखत रहे फिल्म। हम कहा कि कहा है कौन फिल्म आए लगा दिन कौन नहीं आई, कहा सुपर हिट देख रहे हैं सबको चोर हाथ बिल्कुल। कहा बैठ गवा, अब वो फिल्म रही अंग्रेजी में, अब कुछ समझ में आवा विदेश की अंग्रेजी कहाँ पल्ले पर है हमरे, पर देखत रहे कुछ पल्ले पर जाए। करीब चली पौने दो घंटा, अब वह फिल्म कहा रही वह डॉक्यूमेंट्री आई रही कि द ग्रेट हैकर्स। तो अब वो के देखे के बाद सब शांत। हम कहा एक बार चर्चा करी होगी बस फिल्म देख लिया होगा, बताओ का देखे समझाओ। फिर रहीम चर्चा कहें कहें हाँ पुत्र सुनो, ये फिल्म देखे के बाद तो समझ लो कि रोमा ठाड़ होंगे सबके, और समझ में नहीं आता है कि बाप रे बाप कहाँ पहुंच गए टेक कंपनी और कहाँ हम ठाड़ हैं, जमीन आसमान का अंतर। हम कहा चाचा बताओ पूरी इतिहास बताओ कहा है। कहा है भाई ये मैं ये बतावागा, उनका संक्षेप बता दी कि आज जो जॉइंट टेक कंपनी कहा जाता है इनका, जॉइंट कहा जाता है, दैत्य कहा जाता है टेक्नोलॉजी कंपनी इनका, दैत्याकार इनका हो गया। इनकी ताकत यह हो गई कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश जो दुनिया भर का कोतवाल अपने को मानत है स्वयंभू कोतवाल, ओके राष्ट्रपति के चुनाव पर असर डाल रहे जैसा चाहे जेका चाहे का जिताए दे। अब इतने नहीं जो उन पुरान दादा रहे साम्राज्यवादी ब्रिटेन बहुत चतुर देश अंग्रेजन का उनहू का नचाए दे। अब जिन तरह चाहे उन तरह फैसला करे, अभी जो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकले का फैसला नहीं कि तखबार में आवत रहा। हम कहा हाँ चाचा, कहे वो इन्हीं के कारनामा आ रहा, एक कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी, अब यह एक ही नहीं आया, इन तरह की तमाम कंपनी बतावत है जानकार हो गई है ओकर कारनामा आ रहा। अब उनके पास इतना डेटा इकट्ठा हो गया है दुनिया भर का, इतनी जानकारी इकट्ठा हो गई कि वही जानकारी का विश्लेषण करके इनके पास बड़े बड़े जो है डेटा एनालिस्ट है, और जगह कहीं पॉलिटिकल सोशल एनालिस्ट है, साइकोलॉजिकल एनालिस्ट है, अब बड़े बड़े वैज्ञानिक है, मीडिया के जानकार, बड़ा बड़ा दिमाग मीडिया का जो है वो इनके पास है लगाए हैं वहां। अब उनका विश्लेषण करके यहां पर मनचाहा जो उन चाहे उन तरह का काम करा सकते, यानी हमार तुम्हार सोचो बदल दे यथाकथित इनके पास। इनका यह पता है कि हम सवेरे उठब तो कहा नाश्ता कर, उसके बाद दोपहर में हम कहाँ जाब कैसे चौरा कर, और समझा के कहाँ बैठा हम दरबार कर, इनका सब पता है। और के बाद हम कहा कर बै यू कहीं अंदाजा लगा ले हैं, प्रेडिक्ट कर ले हैं, बिल्कुल सटीक अनुमान लगा ले हैं, सिर्फ डेटा का एनालाइज करके डेटा का विश्लेषण करके, यह इनकी ताकत। यह तो वही तरह भाव कहा चच्चा, ये तो बड़ी बहुत ताकत है, अब इनसे किन तरह पार पावा जाए। कहा देखो उम्मीद हमेशा दुनिया में कायम रही, जगह कहा गया आशा, अब वही आशा के बल पर हम कही थी कि भाई रावण का कम ताकतवर रहा का रामायण में तुम पढ़े हो, ओके पास यही ज्ञान के बल पर जानकारी के बल पर, अब रामायण में जो उन कहें कहें पर भूत पास ही तक वैज्ञानिक रहे हुए हैं, एनालिस्ट रहे हुए हैं, दुनिया भर के सब व्याख्या करते कि कौन ताकत है किनकी कौन कमजोरी है सब उनके पता रहा हो, तब देवता दैत्य मनुष्य सब कह रहा है पर रहा। तो वही तरह रावण की तरह ही कंपनियां हैं, तो कहा रावण हारा नहीं रहा। हम कहा हाँ चाचा हारा तो, अब कहे कैसे हारा, बंदर भालू साधारण जो रहे एकदम उनसे हारा, लेकिन जब
श्री राम जी संगठित के हैं, उनका एकजुट के हैं तो हराए पाए। तो आज वो भूमिका समाज की है, समाज संगठित हो, एकजुट हो तो इन पर अंकुश लगा सके थे। अब कायदे से सोशल मीडिया की चौकीदारी समाज करे चाहिए, उनकी निगरानी में हो, नियंत्रण समाज का हो चाहिए बजाय सरकार का और कारपोरेट का, तब फर्क पड़ी। तुम कहा जा जब जी कसत हो, कहा वही मंत्र है जो तुमहू कहा था और मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव कहा था कि मीडिया साक्षरता। अब ये मीडिया साक्षरता का मंत्र अगर जन जन तक पहुंचे, लोग समझे ला गए, विश्लेषण करे ला गए तो और भूख पड़ी, तो समझ में आए कि अच्छा डेटा फालतू के जो लूटा थे उसे बचावे गए, कौन डेटा हमका सुरक्षित रखेगा है यह जाने ला गया। अब फिर उनकी कारस्तानी पर नजर रखे, ऐसा तो है ही नहीं भाई, समाज में भी तो एक से एक विद्वान लोग है, जानकार है। जब वह समाज अंकुश लगाई, राज्य के बस का नहीं आए, अब वो तो राज्य का बनरिया मचावत है डुगडुगी, समाज की ताकत है, समाज से बड़ा देखो कोई नहीं आए, तब यह संभव हो सकता। हम कहा हाँ चच्चा तुम तो आंखी खोल दियो, तो अभी मैं लगे चाहिए सबका कि भाई ये अलग जगह गाँव गाँव में, हाँ हमें मीडिया के बारे में जानकारी हासिल करेगा है, अब इतना नहीं सयान नहीं लड़का जान नहीं, हमारा बच्चा यू मीडिया साक्षर बनाए सीख है महीने से, जैसे होते ने केवट का लड़का मल्लाह नदी में तैरब सीख लिए थे, मल्लाह का लड़का ये नहीं पड़े हो तक इंतजार कर 18 साल का हो तब पानी में उतरा, वो सीख जाते। तो यही तरह लड़का ना जब सीख है तो फर्क पड़ी। हम कहा हाँ चाचा बात तुम बहुत बढ़िया क्यों, तो चाचा फिर आज बस इतना है। अरे हम कहा बहुत बढ़िया खुराक दे दिए, दिन भर के बने पुत्र तुम हमका, तो भैया नमस्कार।